फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल WTW बुटीक। ये मैंने जो राजपूत लहंगे के लिए मछली का बोला था आपको फ्रेंड्स कि मैं आपको मछली बनाना सिखाऊंगी, तो ये देखिए जो लहंगे का बचा हुआ कपड़ा है वो हमारे पास ये है। तो ये मैंने डबल फोल्ड किया है, जो सीधा कपड़ा है वो अंदर रहेगा, सीधा वाला भाग। और इस तरह से हमें इस कपड़े को रखना है, और कपड़े की एक साइड में बंद हिस्सा है, बाकी तीनों साइड में ओपन है। तो इनको हमें दो साइड से सिलाई लगानी है, और एक हिस्सा कोई भी आप तीनों में से कोई भी एक हिस्से को ओपन रखेंगे, बाकी दो साइड में आपको सिलाई लगानी है। चलो मैं इसको सिलाई लगा लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने दोनों साइड सिलाई लगा ली है, और एक ये इसका ओपन रखा है एक बार। अब हमें इसको तिरछा कटिंग करना है एक हिस्से को, तो हमें इस तरह से हम मार्किंग करेंगे। ये देखिए जो ओपन वाली साइड है वहाँ से एक कॉर्नर लेंगे और एक ऑपोजिट कॉर्नर लेंगे इस तरह से, और हमें सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। ये फ्रेंड्स, हम जो राजपूत पोशाक का लहंगा होता है इसके लिए मछली बना रहे हैं, तो आप पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा फ्रेंड। ये देखिए, अब हम एक हिस्से को ही कट करेंगे। ये जो दो हिस्से हैं हमारे पास कपड़े को फोल्ड कर रखा है, तो हम जो ऊपर वाला एक हिस्सा है जो मार्किंग का, उसको ही कट करेंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब इसको हमें इस तरह से खोलना है, ये आप ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। और अब जो इसका ये वाला कॉर्नर बचता है, ये देखिए ये वाला कॉर्नर, इसकी सीध में जो कपड़ा आता है उसको लेंगे और इस कॉर्नर को पकड़ेंगे इस तरह से। तो ये देखिए फ्रेंड, इस तरह से आपको कपड़ा रखना है। इसके बाद जो ये कॉर्नर है वापस इसको इस तरह से लेके आना है। ये देखिए हमारा कपड़ा वापस इस तरह से ये क्रॉस में कपड़ा हो गया है। जो स्टिच होता है ये देखिए, ये यही कपड़ा हमें चाहिए मछली के लिए। इसको वापस मैं फोल्ड कर रही हूँ इस तरह से। आपको काटने में आसानी होती है उतना आप फोल्ड कर लीजिए। ये देखिए, इस तरह से करने के बाद हमने जो लहंगे की लेंथ में 2 इंच कम करा था, मैंने आपको बताया था कि जितनी भी लेंथ होती है आपकी उसमें से आपको 2 इंच कम करना है। तो अब हम मछली के लिए जो कपड़ा ले रहे हैं वो हम 2.5 इंच तक लेंगे। ये देखिए, जो ये डबल हिस्सा है इसलिए मैं यहाँ से 2.5 ले रही हूँ। मैं आपको ये अभी समझा दूँगी वापस। ये बंद वाली साइड है और ये देखो ये ओपन साइड है, तो हमें जो बंद वाली साइड है उधर से 2.5 इंच की मार्किंग करनी है इस तरह से, और इसको हमें कटिंग कर लेना है। बहुत ही सिंपल है फ्रेंड्स, आप ज़रूर ट्राई करिएगा और अपने कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुई सिलने में। ये देखिए, अब जो 2.5 इंच का हमने लिया था डबल कपड़ा, उसको मैंने खोला है, तो ये 5 इंच तक हो जाएगा। तो अब आपको वापस जो नेक्स्ट कटिंग हम करेंगे वो हम इसको ओपन करके रखेंगे इस तरह से, ताकि जो हमारी कटिंग है मछली के लिए वो बराबर आ जाए, और जो मछली का कपड़ा है वो भी बराबर से हमारे सज जाएगा पूरे लहंगे में, आपके लहंगे में कम नहीं पड़े। इसलिए हमें पहले बंद साइड से काटना होता है, फिर उसके बाद में ओपन साइड से काटते हैं। और हम जो 2.5 इंच लेते हैं वो डबल कपड़ा होता है, इसलिए हम 2.5 इंच लेते हैं, और ये सिंगल कपड़ा है इसलिए हमने 2.5 इंच के कपड़े को खोला तो 5 इंच हो गया, इसीलिए मैंने ये 5-5 इंच लिया है। आप कोई भी लहंगा सिलते हो फ्रेंड्स, अगर वो हेल्दी लेडीज़ के लिए होता है या स्लिम के लिए, तो मछली का साइज़ हमेशा यही रहेगा, तो इसमें आप कन्फ्यूज़ ना हो। मछली के लिए आपको इतनी ही मछली लेनी है, मछली के कपड़े के लिए इतना ही आपके लिए कपड़ा लगेगा।
अब जो हमारे पास उरेब कपड़ा निकलता है ये देखिए, एक साइड से तिरछा होता है और दूसरी साइड से भी तिरछा होता है। ये मैंने आपको पहले भी उरेब पट्टी का वीडियो जोड़ना बताया है, वीडियो में मैंने ये देखिए। अब इसको किस तरह से जोड़ना है, जैसे ये सीधी पट्टी आ रही है तो इसको वापस इसके ऊपर इस तरह से रखना है और इसमें सिलाई लगाने का मैं आपको एक बार वापस बता देती हूँ, तो आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि छोटी उरेब पट्टियाँ जो मैंने गले के लिए बताई थी उसमें शायद आपको समझ में ना आए, तो इसमें अच्छे से आ जाएगा। जो कपड़े के ये पॉइंट मिल रहे हैं दोनों कपड़े के, ये देखिए एक यहाँ पे और यहाँ पे, दोनों कपड़ों के जो पॉइंट मिलते हैं उनको हमें सीधी लाइन ऐसे ड्रॉ करना है और यहाँ पर ही हमें सिलाई लगानी है। मैं आपको सिलाई लगा के बता देती हूँ खुलने के बाद कैसा रहेगा, तो आप ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने सिलाई लगा ली है। अब हम इसको ओपन करते हैं वापस कपड़े को, ये देखिए तो पूरा एक ऐसे बराबर हो गया है कपड़ा और अच्छे से हमारे कपड़ा ये जुड़ गया है, दोनों जॉइंट अच्छे से जुड़ गया, जॉइंट हो गया अच्छे से। इसी तरह से आपको इसकी दो तीन जो भी पट्टियाँ निकलती है उसको आपको जोड़ के सिंगल एक पट्टी बना लेनी है, तो उसको हम पूरे पट्टी बोलेंगे मजगी, जो लहंगे के लिए तैयार हो जाएगी। और इसको आप जितना आपका लहंगा है उसके घेर के अकॉर्डिंग आप इसको ले लें, और इसके बाद में जैसे इसको मैंने कटिंग करना आपको बताया उसी तरह के जो गुना का कपड़ा होता है, इसमें जो गुने का कपड़ा होता है वो बारीक होता है, वो यूज़ करते हैं हम, तो उस गुने के कपड़े को हम इसमें कैसे डालेंगे वो मैं आपको बता रही हूँ सिलाई करके। ये देखिए फ्रेंड्स, जिस तरह से मैंने इसका बॉक्स बना के कटिंग करना आपको बताया है मजगी के कपड़े को, इसी तरह से आपको गुने का कपड़ा भी इसी तरह से सेम है इसी तरह से कटिंग करना है। बॉक्स बना के एक हिस्सा छोड़ देना है, उसमें सिलाई नहीं लगानी, फिर मार्किंग करके कटिंग कर लेनी है। और ये आपको ज़्यादा चौड़ी नहीं लेनी है, कम से कम आपको पौन इंच या एक इंच की आप इसको ले सकते हैं। और इसको भी ऐसे कैसे देखिए जॉइंट करना है, जो इसके खुले हिस्से होते हैं जॉइंट करके एक सिंगल लंबी पट्टी बना लेनी है। अब इसको मैं सिलना बता रही हूँ किस तरह से इस कपड़े पे हम इसको लगाएंगे। ये देखिए फ्रेंड, जो मजगी के लिए कपड़ा हमने लिया है उसको हमें डबल करना है और एक साइड में हमें इतना आधा इंच का कपड़ा छोड़ देना है। ये देखिए आधे इंच तक का कपड़ा हमने रखा है ये, और बाद में हम इस पर जो मजगी ऐड करेंगे वो हमें दो इंच तक चाहिए होगी। ये देखिए दो इंच का मार्जिन रखते हुए हम गुने के कपड़े को इस पर लगाएंगे, इस तरह से मार्किंग करनी है। उसके बाद जो गुने का कपड़ा है उसको इस तरह से रखना है, और ये देखिए जहाँ पे हम मार्क करते हैं या तो आप वैसे ले लीजिए, और अगर वैसे आपसे नहीं हो रहा है कि आपको मार्किंग नहीं दिख रही है तो फिर आप इस तरह से कपड़ा आधा इंच ऊपर की तरफ निकाल लें, फिर उसके बाद गुने के कपड़े को भी साथ में ले और दो इंच का ऐसे इस तरह से आप मार्किंग कर ले और सिलाई लगाते जाए। और एक बात और, इसमें आपको कभी भी मैचिंग धागा यूज़ नहीं करना है, जिस कलर का आप कपड़ा सिल रहे हो उस कलर का धागा आपको नहीं लेना है। आपको हमेशा मजगी बनाते समय ध्यान रखना है कि आपको अनमैचिंग धागा लेना है। इस तरह से आप जो लहंगे के घेर की पूरी पट्टी में इस तरह से मजगी बना ले। ये देखिए फ्रेंड्स, पूरे लहंगे के घेर के लिए हमने इस तरह से मजगी तैयार कर लेनी है। इसके बाद आप फर्स्ट टाइम सिल रहे हो तो आप इसको डायरेक्ट नहीं सिल सकते, इसलिए आपको क्या करना है, इस जो गुने का ये कपड़ा एक्स्ट्रा बचा हुआ है इसको ऊपर की तरफ ऐसे रखना है और यहाँ पे हल्का सा आपको दबा के ऐसे इस तरह से कर लेना है कपड़े को, ताकि आपके जो गुना है वो बहुत ही अच्छा आएगा सफाई से। और इस तरह से करने के बाद आपको मशीन के पैर के नाप से एक सिलाई और लगा लेनी है। ये देखिए फ्रेंड, इस तरह से आपको कपड़े को टाइट रख के इस तरफ करना है वापस ऑपोजिट तरफ, और इस तरह से आपको सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए फ्रेंड, इस तरह से आपको लहंगे की जो मजगी है पूरे
राउंड में इस तरह से आपको मजगी का ये गुने का कपड़ा है वो मजगी के साथ अटैच करके इस तरह से लगा के रेडी कर लेना है। अब जो ये लहंगे पे अटैच करते हैं वो मैं आपको लहंगे की स्टिचिंग करूँगी तब उसके साथ में इसको लगाना अच्छे से बता दूँगी। अगर यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा, मैं आपको उसका रिप्लाई दूँगी। और